हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, ग्रामर में चैप्टर फोर आर्टिकल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। कॉपी में आपको समझाया गया था, वर्क करा दिया गया था और बुक वर्क भी आपको फिल करा दी गई है। आई होप बच्चों आप लोगों ने चैप्टर फोर फिल कर लिया होगा, समझ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं चैप्टर फाइव नाउंस। ये न्यू चैप्टर है। नाउंस बच्चों संज्ञा को बोलते हैं जो कि हम क्लास सेकेंड से फर्स्ट से भी पढ़ते हुए आते हैं। हिंदी में हम संज्ञा पढ़ते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम नाउन पढ़ते हैं। नाउन की डेफिनेशन आपको छोटी क्लास में समझा दी जाती है, उसके कुछ पार्ट्स आपको बता दिए जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि नाउन क्या होती है और नाउन के पार्ट्स बताऊँगी, उनके डेफिनेशंस बताई जाएगी पार्ट्स की और उनके एग्जाम्पल्स से भी आपको समझाया जाएगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखेंगे चैप्टर फाइव नाउन्स डेफिनेशन ऑफ नाउन। नेमिंग वर्ड्स यूज फॉर पीपल प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, पीपल का, प्लेस का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो, थिंग का नाम हो, वो क्या कहलाता है बच्चा? संज्ञा कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे राम, आगरा, डॉग और टेबल। राम क्या है बच्चों? किसी पर्सन का नेम है। आगरा क्या है यहाँ पर? प्लेस है। डॉग क्या है? एनिमल है। और टेबल क्या है आपके यहाँ पर? थिंग है। ठीक है, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। ठीक है, इसके बाद नाउन्स के काइंड कौन से होते हैं? देर आर मैनी काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कौन कौन से ये हम पढ़ेंगे। अब बच्चों आप क्लास फोर्थ में आ गए हो, सेकेंड थर्ड में थोड़ा कम बताया जाता है, फोर्थ में थोड़ा और डीपली बताया जाता है। तो चलिए हम क्लास के अकॉर्डिंगली समझेंगे। नंबर वन प्रॉपर नाउन, नंबर टू कॉमन नाउन, नंबर थ्री काउंटेबल नाउन, नंबर फोर अनकाउंटेबल नाउन, नंबर फाइव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर सिक्स मटेरियल नाउन, नंबर सेवन कंक्रीट नाउन और नंबर एट कलेक्टिव नाउन। ये मैंने आपको आठ प्रकार के नाउन बताए। अब नंबर वाइज सिक्वेंस से आपको बताया जाएगा प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन क्या होते हैं, है ना। इनके डेफिनेशंस बताई जाएंगी और इनके एग्जांपल से आपको समझाया जाएगा। देखिए नंबर वन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम गिवन टू पर्सन्स एनिमल्स प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या एनिमल को जो पर्टिकुलर हो स्पेशल हो उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जिसका नेम दिया गया हो। ठीक है, और प्रॉपर नाउन की एक मुख्य करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक मुख्य फीचर क्या है? प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब एग्जांपल में देखेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाइए ज़रा नेक्स्ट पेज पर, देखिए यहाँ आ जाइए एग्जांपल। आई लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूँ या रहती हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन है आगरा। कहाँ रहती हूँ? आगरा में। और आगरा किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर से। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जून पूरे वर्ष का सबसे गर्मी का महीना होता है ना। हॉटेस्ट में आपको समझ में आया होगा कि हॉटेस्ट से पहले द क्यों आया, आर्टिकल द क्यों आया, क्योंकि हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जून यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर से। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल नेम है मंथ का और ये प्रॉपर नाउन में आएगा। इसके बाद नंबर टू पर आ जाइए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर द नेम गिविन टू पर्सन्स प्लेसेज नेम्स और थिंग्स, प्लेसेज और थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड। देखिए कॉमन नाउन क्या होते हैं? किसी भी पर्सन का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का हो, थिंग्स का हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊँगी, आपको ईजिली हो जाएगा, जो कि कॉमन होते हैं। अब प्रॉपर में तो हमें प्रॉपरली उनका नेम पता चल जाता है, लेकिन कॉमन में हमें नेम पता नहीं चलता है। जैसे कोई भी एनिमल हो, कोई भी पर्सन हो, है ना, तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। अब सिटी यहाँ पर क्या है? सिटी कॉमन है, कोई सा भी शहर हो सकता है, लेकिन दिल्ली यहाँ पर क्या है? प्रॉपर है। ठीक, जैसे आई हैव ए वाइट कार, मेरे पास एक वाइट कार है। अब कार यहाँ पर क्या है? कॉमन है। अगर यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली मर्सिडीज़ का नाम ले दूँ, BMW का नाम ले दूँ, या स्कॉर्पियो का नाम ले दूँ, या किसी का भी नाम ले दूँ, तो वो यहाँ पर बच्चों हमारी क्या हो जाएगी? प्रॉपर। लेकिन हमें कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देना है, इसलिए यहाँ पर हमने कार को अंडरलाइन किया। इसके बाद नंबर थ्री, माई कज़िन इज़ कमिंग टू मीट मी। मेरा कज़िन, मेरा चचेरा भाई या बहन मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। तो कज़िन क्या है? अब उसमें कोई भी भाई बहन हो सकता है,
मामा का लड़का, मौसी का, ताऊ का, चाचा का, है ना, बुआ का। तो ये कज़िन जो है ये भाई बहन कोई भी हो सकता है, और ये इसीलिए हमारा कॉमन नाउन में आया। इसके बाद नंबर 3, काउंटेबल नाउन। बच्चों पहले प्रॉपर कॉमन को अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं एक और बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दे दूं। मैंने कहा कि बिस्किट्स, तो बिस्किट्स कॉमन में आएगा, लेकिन अगर मैंने बिस्किट का नेम ले दिया 20-20, 50-50, क्रैक जैक, है ना, गुड डे, या आपका नाइस है, या आपका ये क्या नाम है इसका, कोई भी है, आपका चॉकलेट का बिस्किट है, क्रीम बिस्किट है, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, प्रॉपर में। लेकिन अगर मैं केवल बिस्किट कह रही हूँ तो वो कॉमन में। अब मैंने टॉफ़ी है, टॉफ़ी कहा तो वो कॉमन में आएगी। लेकिन अगर मैंने टॉफीज़ का नेम ले दिया, मेलोडी है आपकी, मैंगो बाइट है आपके, पार्ले है, तो ये किस में आएंगी, प्रॉपर में। अगर मैं बिस्किट टॉफीज़ कह रही हूँ तो वो कॉमन में है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको कोई भी एनिमल बोल दिया तो एनिमल कॉमन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलरली एनिमल का नेम ले रही हूँ तो वो आपका प्रॉपर में आएगा। इसके बाद नंबर 3 पे चलेंगे, काउंटेबल नाउन पर, सॉरी काउंटेबल नाउन पर चलेंगे नंबर 3 पर। देखिए काउंटेबल नाउन्स रेफर टू द थिंग्स दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन काउंट क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन किस चीज़ को रेफर करते हैं, दैट वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, आई हैव 2 पेट डॉग्स, मेरे पास 2 पेट डॉग्स हैं, तो हम 2 पेट डॉग्स को काउंट कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में है, है ना। और एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स, एलिफेंट्स बहुत बड़े एनिमल्स हैं, और एलिफेंट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर टू द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, अब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो गिने नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल में हम कैसे पता करेंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, वह अपने दयालुता के लिए जानी जाती है ना, तो दयालुता, काइंडनेस को क्या हम बच्चों काउंट कर सकते हैं कि वो कितना दयालु है, नो, वो कितना निर्दयी है, क्रूएल है, नो, वो कितना गरीब है, नो, वो कितना गरीब अमीर है, नो, ठीक है, तो इस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल में पुट किया जाएगा। इसके बाद इसका नंबर 2 एग्जांपल देखेंगे, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी दो। अब एक ग्लास को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं बच्चों, किसी भी लिक्विड आइटम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पर आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ईयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा को, आप हिंदी में पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम ऑफ द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच, जिसको ना हम देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, बट कैन ओनली हियर, फील एंड थिंक, और जिसको केवल हम सुन सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और थिंक जिसको के बारे में हम सोच सकते हैं, वो किस चीज़ में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, लेकिन इनको केवल हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, और थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए अब इसके एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी बहुत अच्छी ईमानदारी है, बहुत अच्छी नीति है, जो ईमानदारी है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी को, ईमानदारी को क्या हम बच्चों कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं ईमानदारी को, मैं कितनी ईमानदार हूँ, आप कितने ईमानदार हैं, क्या मैं इस चीज़ को टच कर सकती हूँ ईमानदारी को, नो, तो ये जो है ईमानदारी, जो ऑनेस्टी है यहाँ पर, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करती है। इसके बाद द डॉग इज़ नोन फॉर इट्स ब्रेवरी लॉयल्टी, जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। तो कोई कुत्ता कितना वफादार है, उस लॉयल्टी वर्ड को हम ना सी कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, बट ओनली वी कैन हियर, फील और थिंक, लेकिन केवल हम उसको सुन सकते हैं कि वो कितना ईमानदार है, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि देखो वो ईमानदारी में कितना आगे है, और सोच सकते हैं, लेकिन हम उसको सी और टच नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 एग्जांपल, मैरी वॉज फुल ऑफ ब्रेवरी, मैरी जो है वो ब्रेवरी, बहादुरता से भरी हुई है, मीन्स बहुत बहादुर है। तो बहादुरी को भी बच्चों हम देख और टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। नंबर 4, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। अब सच्चाई को हम नहीं देख सकते हैं और नहीं टच कर सकते हैं,
तो इसलिए जो सच्चाई है वो भी किस चीज़ में आएगी बच्चों, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगी। ये मैंने आपको चार एग्जांपल्स बताए बच्चों एब्स्ट्रैक्ट के, ठीक है, समझ में आ गए होंगे आपको। अब चलेंगे नंबर 6 पर, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन्स आर द वर्ड्स फॉर मटीरियल्स दैट अदर थिंग्स आर मेड ऑफ। देखिए कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है ये मटेरियल नाउन बताता है। जैसे एग्जांपल देखिए, टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल मेड की बनी, टेबल वुड की बनी हुई है, तो वुड लकड़ी मटेरियल है यहाँ पर, इसीलिए इसमें क्या आ गया, ये वुड मटेरियल नाउन को बता रहा है। टायर्स आर मेड ऑफ रबर, टायर्स जो है वो रबड़ के बने हुए हैं, अब रबड़ जो है ये मटीरियल है, रबड़ मटीरियल से टायर बने हुए हैं, ये यहाँ पर मटीरियल नाउन को शो कर रहा है। कैंस आर मेड ऑफ टिन, कैंस जो हैं वो टिन की बनी हुई हैं, ये भी इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर जो टिन वर्ड है ये भी मटीरियल नाउन है। रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग जो है वो गोल्ड की, सोने की बनी हुई है ना, तो जो जो सोना वर्ड है यहाँ पर, गोल्ड वर्ड है, वो भी हमारे यहाँ पर मटीरियल नाउन को ही बताता है, ठीक है। एंकलेट, जो ये पायल्स हैं, एंकलेट इज मेड ऑफ सिल्वर, चांदी की बनी हुई है, तो जो एंकलेट वर्ड है, जो चांदी वर्ड है यहाँ पर सिल्वर, वो एंकलेट का क्या है, मटेरियल को बता रहा है यहाँ पर। ओके ओके बच्चों, उसके बाद चलेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर 3-4 एग्जांपल्स बताए। उसके बाद नंबर 7, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कंक्रीट नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी एंड टच, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, केवल फीलिंग कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं। तो कंक्रीट में बुक, मदर, फ्लीट, देखो बुक को भी हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, मदर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और फ्लीट को, ग्रुप ऑफ फ्लीट, ठीक है, इसको भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल एनिमल थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। देखिए देखो, अब जैसे किसी भी चीज़ को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप में, उसके लिए हम जो वर्ड देते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। देखो जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल में बताऊंगी जो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर की टीम। अब जो क्रिकेट खेला जाएगा, कोई गेम खेला जाएगा, वो एक व्यक्ति नहीं खेल सकता, वो ग्रुप में खेला जाएगा, टीम में खेला जाएगा, तो इसलिए प्लेयर से क्या होती है, टीम। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अंगूरों को बच्चों आप एक में बहुत कम देखते होंगे, सिंगल में, तो ये जो अंगूर वगैरह, ये जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं, बनानास होते हैं, ये ऑलमोस्ट बंच में होते हैं, इसलिए इनको बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ कीज, जो चाबी का होता है गुच्छा, इसको भी हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये बंच वर्ड है, ये ग्रेप्स को और कीज़ को, बनानास को क्या बताता है, कि ये इनका कलेक्टिव नाउन को बता रहा है। इसके बाद नंबर 3 है इसमें स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता। अब छत्ता क्या है यहाँ पर, छत्ता भी यहाँ पर स्वार्म जो है वो वर्ड यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन को बता रहे हैं, क्योंकि मधुमक्खी एक नहीं मिलेगी आपको। अब जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास, तो क्लास में कोई बच्चा थोड़ा ना पढ़ता है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन को बता रहा है। तो बच्चों मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं भाई, पॉवर्टी हो गया, काफ़ी सारे सारे होते हैं बच्चों, जैसे काउस के साथ हम कलेक्टिव नाउन में हर्ड को ले लेते हैं, है ना, ये मैं आपको जब बुक में पढ़ाऊँगी समझाऊँगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये वर्क अपनी कॉपी में डन करना है, एक्सरसाइज चैप्टर को समझना है, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट राउंड पर बुक वर्क भेजूंगी, बुक वर्क फिल कराया जाएगा। जिन बच्चों को समझ में आ जाता है, वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, वो बुक सेल्फ फिल करने की कोशिश करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, उनको मज़ा भी आता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने चैप्टर को समझ लिया, चैप्टर को पढ़ लिया, चैप्टर को सुन लिया, तो उनको सब समझ में आता है। और जब आपके पास चैप्टर का वर्क भेजा जाए तो आप उसको मैच कर लें, ठीक है, जहाँ जो मिस्टेक हो उसको करेक्शन कर लें, अदरवाइज आपका ठीक है, आपको समझ में आ गया चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।